हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है। मैं बात करने वाला हूँ 2023 सुजुकी वी स्टॉर्म 650 एक्सप्लोर वेरिएंट के बारे में, जो कि ग्लोबल मार्केट के अंदर जो है वो ऑफिशियली रिवील्ड हो गया है। एंड फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ कि इंडिया के अंदर भी हमें जो सुजुकी की वी स्टॉर्म 650 देखने को मिलती है, बट ग्लोबल मार्केट के अंदर हमें इसका न्यू वर्जन जो कि हमें एक्सप्लोर देखने को मिलता है। एंड मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें कुछ फैक्ट्री एसेसरीज एंड डिज़ाइन के अंदर में थोड़े बहुत चेंजेस के साथ जो न्यू एडेड वेरिएंट है हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो सुजुकी ब्रांड है फ्रेंड, उसने 2023 के अंदर हमें जो वी स्टॉर्म 650 है उसके अंदर में कुछ अपडेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये हमें सेंटर स्टैंड के साथ देखने को मिलेगी। एंड इसके अंदर में क्रैश बार, टू रिंग विंड स्क्रीन एंड जो कलर कोऑर्डिनेटेड हर पेनर्स जो कि हमें लगेज स्टोरेज के साथ जो है हमें देखने को मिलेगा, इस तरह की जो कि हमें ऑफिशियल एसेसरीज जो है हमें देखने को मिलने वाली है। एंड फ्रेंड्स, के अंदर हमें स्पॉक व्हील वाले वेरिएंट भी जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं कलर ऑप्शंस के बारे में बात करूँ तो बेसिकली ये हमें टोटल 3 कलर ऑप्शंस के अंदर, जिसके अंदर हमें ब्लू, वाइट एंड ब्लैक कलर देखने को मिलता है। एंड जो एक्सप्लोर ऑप्शन है, मतलब जो एक्सप्लोर वेरिएंट है, ये हमें येलो ऑप्शन के अंदर भी अब से हमें देखने को मिलने वाला है, मतलब जो येलो कलर है जो कि हमें न्यूली एडेड इसी वेरिएंट के लिए जो है हमें देखने को मिलेगा। ऑर्डरिंग के बारे में बात की जाए तो हमें सेमी देखने को मिलता है फ्रेंड, जो सुजुकी की एडवेंचर बाइक है फ्रेंड, ये हमें 645 सीसी V12 इंजन ऑप्शन के साथ ही जो है हमें देखने को मिलती है। ग्लोबल मार्केट के अंदर ये हमें यूरो 5 इमिशन नॉर्म्स के साथ एंड इसके अंदर में 70.72 BHP का पावर एंड 62 Nm का जो टॉर्क है वो देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड, अगर मैं इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड्स, के फ्रंट में हमें 19 इंच के व्हील्स एंड इसके रियर में हमें 17 इंच के व्हील्स देखने को मिलेंगे। एंड सस्पेंशन सेटअप के अंदर हमें 43 mm के हमें टेलीस्कोपिक फ्रॉक जो कि हमें फ्रंट में, जो कि हमें प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी के साथ एंड इसके रियर में हमें लिंक टाइप मोनोसो एब्जॉर्बर्स जो कि हमें रीबाउंड एडजस्टेबिलिटी के साथ एंड साथ ही में हमें रिमोट प्रीलोड एडजस्टर के साथ जो है हमें देखने को मिलेगा। ब्रेकिंग के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड्स, के अंदर हमें ट्वीन 310 mm की हमें डिस्क ब्रेक जो कि हमें इसके फ्रंट में, एंड रियर में हमें 260 mm के डिस्क ब्रेक जो कि हमें निसिन सिंगल पिस्टन कैलिपर्स के साथ जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड फ्रंट के अंदर हमें टोकिको 2 पिस्टन कैलिपर्स के साथ हमें डियो जनरल ABS जो कि हमें एज ए स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस बाइक के बारे में इतने फीचर्स एंड अपडेट्स में देखने को मिलते हैं। फ्रेंड, और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है जो जल्दी मैं अगले नया वीडियो लेके आऊँगा। एंड फ्रेंड, जैसे अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अलग हर ऑटोमेटिक वीडियोज़ के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।